पूरे हिंदुस्तान में पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और ये हम इसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि हम इसके साक्षी बने। और इसके लिए मैं टोंक जिले के सभी बहन और भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और इसके साथ अनगिनत हमारे जो शहीद हुए उनकी शहादत को नमन करता हूँ। हमारे जो नेता थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे और जिनके अथक प्रयास से जिनके जान की बाजी लगा के कुर्बानी दे के हमें यह आज़ादी का अमृत महोत्सव उपलब्ध कराया आज से 75 साल बाद, इसके लिए जो हमारे सामने लोकतंत्र की और चुनौती है उनका हम डट कर मुकाबला करेंगे और भारत को एक सशक्त देश बनाएंगे दुनिया के। एक सांप्रदायिकता की चुनौती हमारे पास सामने मुंह फैला के खड़ी है, जातिवाद की चुनौती हमारे सामने है, भ्रष्टाचार की चुनौती हमारे सामने है, बेरोजगारी की चुनौती है, महंगाई की चुनौती है हमारे सामने। ये शर्म की बात है और इसके लिए ऐसी जो मानसिकता है उसको हमें जड़ से खत्म करना पड़ेगा। उसके अंदर जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जिसके लिए आगे ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी।